भारत में यूरोप जैसे कल्चर को लेकर विख्यात गोवा की एक और पहचान ड्रग्स हब के लिए भी है। हाल ही में ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से गोवा में तमिलनाडु के दो युवाओं की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गोवा सरकार की तरफ से पुलिस को बीच और दूर दराज के इलाकों में चलने वाली रेव पार्टियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। ड्रग्स से मौत के मामले में पुलिस ने गोवा के दो जाने माने बीच के मालिक को गिरफ्तार किया है। बीच के मालिक को रेस्टोरेंट में सर्व करने वाले वेटर की जेबों से ड्रग्स मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ पुलिस ने बैंगलोर के भी तीन लोगों को अरेस्ट किया है। इन लोगों के पास से भी ड्रग्स बरामद किया गया। बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त को गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने देर रात होने वाली रेव पार्टियों को रोकने के निर्देश जारी किए थे। पारिकर ने कहा था कि देर रात चलने वाली रेव पार्टियां नशे के लिए की जाती हैं, जिन पर रोक लगनी जरूरी है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।